दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन, मैटेरिया मेडिका, रिपोर्टरी फार्मेसी और जीएस को अच्छे से समझा। देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा इन सारे सब्जेक्ट से पिछले इयर्स में लोकसभा आयोग उत्तर प्रदेश ने किस टाइप से क्वेश्चन अरेज किया था, फिर हम लोगों ने प्रॉपर स्टडी किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी को। सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमी से पिछले इयर्स में किस टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चन अरेज किए गए, फिर एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। ये एनाटॉमी जो है 2013 क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए, होम्योपैथिक एमओ के लिए 2013 का पेपर है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत है, इसलिए बोलता हूं ताकि हमें एक फुटप्रिंट मिल जाए कि हमें स्टडी किस टाइप से करने। साथ में सिर्फ यही नहीं करना, फिर साथ में पेपर देखने के बाद हमें सिलेबस भी देख लेना कि इस बार जो एग्जाम होगा उसमें कहां कहां से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। तो हम लोग अभी क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं ताकि हम लोग एग्जामिनर का फुटप्रिंट समझ ले और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्किप ना करें और साथ में लास्ट के 2 मिनट जो है उस पर हम लोग इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन था एनाटॉमी से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज बोन फाउंड इन सुपीरियर टू पटेला एंड इंफीरियर टू इस्टियम। इस्टियम के इंफीरियर में और पटेला के सुपीरियर में, तो बोन्स की स्टडी हम लोग कैसे करते हैं, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर। तो सुपीरियर क्या होता है, ऊपर, इंफीरियर क्या होता है, नीचे, लेटरल क्या होता है, लेटरल जो बॉडी से दूर जाए लेटरल, और मीडियल जो बॉडी के करीब आए दैट इज मीडियल, और एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे। क्लियर? तो इस्टियम के इंफीरियर में और पटेला के सुपीरियर में कौन सी लार्ज बोन है, कैल्केनियस नहीं है, फीमर बिल्कुल है, फीमर ही है, पटेला के ऊपर है और इस्टियम के नीचे है, सिम्फाइसिस प्यूबिस बिल्कुल नहीं, टीबिया बिल्कुल नहीं, टीबिया कहां है, पटेला के नीचे है। अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग, टंग आर सप्लाइड बाय विच नर्व, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स टंग की इसको सप्लाई कौन सी नर्व करती है, हाइपोग्लोसल नर्व, फेशियल नर्व, हाइपोग्लोसल एंड वैगस नर्व, लिंगुअल नर्व। राइट आंसर हुआ हाइपोग्लोसल नर्व। हम लोग नर्व की स्टडी बहुत इजीली तरीके से मैं इसको प्रिपेयर करवा दूंगा, जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक ऑक्युलोमीटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजमाइनल, इसको मैं बहुत इजीली याद किया था। और कैसे याद किया था, जब मैं एनाटॉमी स्टार्ट करूंगा तो पूरा डिटेल बताऊंगा। 12 पेयर क्रैनियल नर्व एक बार में आप याद कर लेंगे आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, नर्व की स्टडी करनी है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो कौन सी कैविटी को सेपरेट करता है, एब्डोमिनल एंड पेल्विस नहीं, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल, थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर बीच में क्या होता है, डायफ्राम होता है। यही दोनों कैविटी को क्या करता है, डिवाइड करता है, बाइफर्गेट करता है, सेपरेट करता है। तो थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी राइट, डॉर्सल एंड वेंट्रल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रैनियल एंड स्पाइनल नहीं। पेरिस्टाइलाइसिस ऑफ यूरेटर डिपेंड अपॉन यूरेटर का पेरिस्टाइलाइसिस एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, वो किस पे डिपेंड होता है, सिंपैथेटिक फ्लो, पैरासिंपैथेटिक फ्लो, पेस्टमेकर इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूरेटर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक फ्लो। इसको एक बार आप लोग क्लियर कर लें, बट मुझे लगता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक फ्लो पे डिपेंड करता है।
लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी वेन कौन सी होती है। अब यहां पे क्या पूछ लिया, लॉन्गेस्ट वेन की बात किया है, तो लॉन्गेस्ट वेन कौन, सुपीरियर वेना केवा, बिल्कुल नहीं, इंफीरियर वेना केवा, बिल्कुल नहीं, ग्रेट स्फेनस वेन, बिल्कुल यही है, पोर्टल वेन नहीं। अब हमें स्टडी क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेन, तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट वेन पढ़ लेना है, फिर लार्जेस्ट भी पढ़ेंगे और स्मॉलेस्ट भी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या पढ़ेंगे, आर्टरी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन पढ़ लेंगे, क्लियर, फिर क्या पढ़ेंगे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ लेंगे। हम लोग को क्या क्या देखना, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट वेन पढ़ना है, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट आर्टरी पढ़ना है, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट बोन पढ़ना है और लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट मसल्स पढ़ना है, क्लियर। अब हम लोग यहीं पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, द लॉन्ग बोन विच डज नॉट हैज पॉजिटिव मेडुलरी कैविटी, कौन सी लॉन्गेस्ट बोन है जो मेडुलरी कैविटी नहीं रखते, क्लेविकल, ह्यूमरस, टीबियस, रेडियस, टीबिया, तो राइट आंसर क्या हुआ, क्लेविकल, क्लेविकल्स में मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। जब आप पढ़ेंगे बुक, कौन सी बुक है, एस पोद्दार की एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है क्लेविकल मेडुलरी कैविटी नहीं रखता। फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसमें आ गया है फिजियोलॉजी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी से, फिजियोलॉजी, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या होता है, 7.4, सी 7.2, डी 7.6, तो नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.4। अब यहीं पे हम क्या देखेंगे, यूरिन का पीएच कितना होता है, क्लियर, एक चीज देख लेंगे, नॉर्मली ब्लड एक बॉडी में कितना होना चाहिए ये देख लेंगे, फिर देख लेंगे नॉर्मली आउटपुट ऑफ यूरिन कितना होना चाहिए, एक व्यक्ति में नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन कितना होता है ये देख लेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर क्लॉटिंग टाइम देखेंगे, ब्लीडिंग टाइम देखेंगे, नॉर्मली क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, ये मैं लिखते जाऊं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम और क्या देखेंगे, क्लॉटिंग टाइम देख लेंगे, टाइम नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन देख लेंगे, क्लियर। इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे, पिछला हमने अभी जो बात किया था वो 2013 में क्वेश्चन अराइज हुआ था, अब हम लोग देखेंगे यूपीएससी 2018 में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या क्वेश्चन अराइज किया था, एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा था पहला, विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ सेसमॉइड बोन, कौन सा लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन है, फीमर, क्लेविकल, पटेला, ह्यूमरस, नहीं, पटेला लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन है, क्लियर। हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन किससे कवर कर रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी से, एस पोद्दार की बुक से, देखिएगा पढ़िएगा उससे, और एनाटॉमी के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, एस पोद्दार की एक बुक है, ऑस्टियोलॉजी पढ़ सकते हैं, दूसरी बुक पढ़ सकते हैं पी डी चौरसिया की जो बुक है ह्यूमन एनाटॉमी, तीन वॉल्यूम में आती है, हम लोग के टाइम तीन वॉल्यूम में आती थी, अभी के अपडेट हुआ होगा तो पता नहीं है क्योंकि मैं 2005 की बात कर रहा हूं, तो अभी देख लें कि कितने वॉल्यूम आ रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी तीन ही वॉल्यूम आ रहे होंगे, तो उसको उससे मैंने स्टडी किया था, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट मसल, देखिए पिछली बार हमने क्या बोला था, हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वेन, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आर्टरी, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मसल्स की बात किए थे, यहां देखिए क्वेश्चन अराइज भी कर दिया, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, सार्टोरियस, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स ब्रोंकाई, तो कौन सी लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है, सार्टोरियस मसल्स है,
इसको एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा, सर टेलर मसल्स भी बोलते हैं, टेलर मसल्स भी इसको बोला जाता है, क्लियर, टेलर मसल्स भी बोला जाता है। फिर मेलानोसाइट आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, बोन मैरो और न्यूरल क्रेस्ट। तो मेलानोसाइट किससे डेराइव होता है? न्यूरल क्रेस्ट से। विच वन इज कॉल्ड म्यूजिशियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में तो हम लोग इस पे बोलते थे म्यूजिशियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, एक और ऑब्जेक्टिव दिया था मुझसे छूट गया लिखने में, तो राइट आंसर हुआ अल्नर नर्व। क्या इसको क्या बोला जाता है? म्यूजिशियन नर्व बोला जाता है। ऐसे हम लोग को क्या देखना, और कोई ऐसी कुछ है क्या, कोई इंपॉर्टेंट नर्व है क्या, कोई ऐसी वेन है क्या जिसका कुछ अलग से यूनिक नेम हो? तो यूनिक नेम किसी नर्व या वेन का यूनिक नेम याद कर लेना है, नर्व, वेन एंड बोन का कुछ अलग से कोई नेम हो तो वो याद कर लेना है। फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट, पहला मेटाकार्पल जॉइंट का कौन सा है? हिंग जॉइंट, सैंडल जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। तो राइट आंसर होगा सैडल जॉइंट, क्लियर। फिर कॉमन फिक्सिंग एजेंट यूज इन टिश्यू प्रोसेस इज फॉर्मेल्डिहाइड, एल्कोहल, जाइलिन, क्लोरोफॉर्म। राइट आंसर हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या कहता है, फिक्सिंग एजेंट के टिश्यू को फिक्स करने में हेल्प करता है, इसे कॉमन फिक्सिंग एजेंट बोला जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखा, किस टाइप्स के क्वेश्चन अराइज करता है। अब हम लोग यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड स्केल्टन, तो देखेंगे स्केल्टन है क्या। स्केल्टन बोन्स प्लस कार्टिलेज, कौन कौन, बोन और कार्टिलेज मिलके बॉडी का क्या बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, ढांचा बनाता है, उसी की स्थिति को हम लोग स्केल्टन बोलते हैं। इसी में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, बॉडी बोन और कार्टिलेज दोनों मिलके बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है, जैसे एक कार्टिलेज होगा, अगर एक कार्टिलेज नहीं रहता तो हमारा ये क्या होता, कान ऐसे होता, ईयर कैसे होता, इस तरह होता, पता नहीं होता ही नहीं, तो आवाज नहीं आती मेरे कान में, कोई चिल्लाता ईयर नाइस जो क्रश कर जाती, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। नोज क्या करता है, ये भी दोनों को हमारी ऑरिफिस जो बाइलेटरल ऑरिफिस है नोज की, इनको ओपन करके रखता है कार्टिलेज के थ्रू। अगर ये ना रहे, कार्टिलेज ना रहे तो क्या होगा, नाक से सांस लेने के लिए यूं उठाना पड़ेगा तो ठीक है, ये तो थोड़ी ऐसे मैंने बता दिया। स्केल्टन, स्केल्टन की स्टडी टू पार्ट में की जाती है। पहला कौन सा, स्केल्टन के टू पार्ट होता है, एक होता है एंडोस्केल्टन, दूसरा क्या होता है एंडो स्केल्टन, दूसरा क्या होगा एक्सो स्केल्टन। एकदम आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते जाऊंगा, एंडो स्केल्टन दूसरा क्या होता है, एक्सो स्केल्टन, एक्सो स्केल्टन। एंडो, एंडो का मतलब क्या, एंडो मीन्स अंदर, वो स्केल्टन, वो बोन जो या कार्टिलेज जो हमारी बॉडी के अंदर है, दैट इज एंडो स्केल्टन। और वो सभी बोन्स आ गए, टीबिया, फिबुला, टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, क्लेविकल हो गया, ये सब क्या हो गया, जितने भी मेटाकार्पल हो गए, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, ह्यूमरस हो गया, रिब्स हो गया, ये सब क्या हो गया, एंडोस्केल्टन हो गया, एक्सेट्रा। और एक्सोस्केल्टन क्या होता है, वो बोन्स जो बॉडी के बाहर नेकेड आइज से हम जिसको देख सकते हैं, दैट इज एक्सोस्केल्टन, एक्सो मीन्स बाहर, वो बोन्स जो बाहर है बॉडी के बाहर दिखाई पड़ते हैं, दैट इज एक्सोस्केल्टन। तो एक्सोस्केल्टन कौन कौन से है, पहला हो गया नेल, हो गया नेल क्या हो रहा है, देख सकते हैं हम नेल को देख सकते हैं। फिर क्या हो गया, टीथ का इनेमल, टीथ, टीथ का इनेमल, टीथ का, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप कहेंगे टीथ, टीथ तो कुछ पार्ट अंदर भी है ना भाई, इनेमल ये किसका पार्ट है, टीथ का पार्ट है, ये कहां हो गया, अंदर हो गया। तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं,
एक्सोस्केलेटन। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 206। हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे एक एक पॉइंट को। बोन्स तो मेरा एकदम बहुत स्ट्रांग था, एक एक बोन को मैं याद करके रखा था, अभी भी याद है। फेशियल बोन कितनी होती हैं, हेड में कितनी बोन होती हैं, इस तरह से मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया था। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, टोटल बोन्स कितनी हो गई? 206। हम लोग सिर्फ आज स्टडी कर लेते हैं सर्वाइकल के, सॉरी स्पाइन, इस थोड़े सर्वाइकल कितनी होती है बोन? 7 होती है। थोरैसिक कितनी होती है? 12 होती हैं। लंबर कितनी होती हैं? 5 होती हैं। सैक्रल कितनी होती हैं? 5 होती हैं। और कॉकिक्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब यहीं पे हम देखते हैं, सर्वाइकल 7 हो गया, थोरैसिक 12 हो गया, लंबर 5 हो गया, सैक्रल 5 हो गया, कॉकिक्स 4 हो गया। एक किसमें होता है? बच्चों में होता है, चिल्ड्रेन में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है। वहीं पे 206 बोन फाउंड इन बोन इन ह्यूमन, क्लियर रहेगा, ज्यादा क्लियर रहेगा इन ह्यूमन। वहीं पे एडल्ट में क्या होता है? सर्वाइकल 7 तो क्लियर है, थोरैसिक कितना होता है? 12 होता है, लंबर कितना होता है? 5 ही होता है, सैक्रल फ्यूज कर जाता है तो सिंगल हो जाता है, कॉकिक्स भी फ्यूज कर जाता है तो सिंगल हो जाता है। तो कितने हुए? 12, 7, 19, 19, 5, 24, 1, 25, 1, 26। टोटल बोन कितने हो गए? 26 हो गए। यहां पे 12, 7, 19, 19, 5, 24, 24, 5, 5, 9, 29, 29, 4, 33। बच्चों में यहां पे बोन क्या हो गए? वेरी कर गया। इसीलिए बच्चों में बोन्स कितनी होती हैं? डिटेल्स वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को देखें और इस पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एक एक बोन को जब मैं स्टार्ट करूंगा बताना। और ये 10 मिनट का काम है, सारे बोन्स को हम लोग मेमोराइज कर लेंगे, जितनी भी ह्यूमन बॉडी में बोन्स है सबको मेमोराइज बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि बच्चों में कितनी बोन्स होती हैं और एडल्ट में कितनी बोन होती हैं। जब हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा एक्सप्लेन कर देंगे। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।